दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मॉरल स्टोरी चैनल में। आज की कहानी है भेड़िए का इनाम। हिरन का मांस खाते खाते भेड़िए के गले में हाड का एक कांटा अटक गया। बेचारे का गला सूज गया। बेचारा ना कुछ खा सकता था और ना ही कुछ पी सकता था। तकलीफ के मारे छटपटा रहा था, भागा फिर रहा था, इधर से उधर, उधर से इधर। ना चैन था ना आराम था। इतने में उसे एक सारस दिखाई पड़ा, नदी किनारे घोंघा फोड़कर निगल रहा था। तभी भेड़िया रोते हुए सारस के पास आया और गिड़गिड़ाकर उसने कहा, भैया, बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। गले में कांटा अटक गया है। लो, तुम उसे निकाल दो और मेरी जान बचाओ। बाद में जो भी तुम मांगोगे मैं आपको जरूर दूंगा। रहम करो भाई। सारस का गला लंबा था और चोंच नुकीली और तेज थी। भेड़िया की ऐसी हालत देखकर उसके दिल को बड़ी चोट पहुंची। उसने भेड़िए के गले में अपनी लंबी गर्दन डालकर चट से कांटा निकाल लिया और बोला, भाई साहब, अब आप मुझे इनाम दीजिए। सारस की यह बात सुनकर भेड़िए की आंखें लाल हो आई। नाराजगी के मारे उठकर खड़ा हो गया। सारस की ओर देखकर दांत पीसने लगा और बोला, इनाम चाहिए? जा भाग, नहीं तो तेरा कचुंबर निकाल दूंगा। ये कोई मामूली इनाम नहीं है कि भेड़िए के मुंह से तूने अपनी गर्दन निकाल ली। सारस डर के मारे थरथर कांपने लगा। भेड़िए को वो बोले तो क्या जवाब दे? कुछ सूझ नहीं रहा था। गरीब मन ही मन गुनगुना उठा, रोते हो फिर भी बदमाशों पर करना ना यकीन। मीठी बातों से मन होता छलियों के अधीन। करना नहीं यकीन, खलों पर करना नहीं यकीन। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल हिंदी मॉरल स्टोरी। थैंक यू एंड सपोर्ट ऑलवेज।